स्टार्ट हो गई केवी की स्टार्ट हो गई ओके भाई वीडियो स्टार्ट हो गई है और अपना जो है आज का टॉपिक रिस्पेक्ट से रिलेटेड है तो पहले ये बोलूंगा कि भाई डॉक्टर्स की नर्सेस की सिस्टर्स की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है क्योंकि यार वो बहुत इस टाइम तो कोरोना के टाइम पे भाई कितने ज्यादा बहुत ऐसे मुकाम से चल रहे हैं कि भाई वो पीपी सूट पहनना उसमें इतनी हम मास्क पहनते हैं तब इरिटेट हो जाते हैं बिल्कुल से भाई इस टाइम पे सबकी हालत खराब होती है मेरे दांत में दिक्कत थी मेरे को भी भाई मैं अपने डेंटिस्ट पे गया उसको डर था कि भाई मेरी छोटी सी बेबी है उनको भी वही है कि यार सबकी रिस्पेक्ट करो डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करो वैसे तो डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा तो डॉक्टर भी गलत होते हैं बट कहने मतलब ये मेजोरिटी ऑफ द टीम बहुत अच्छा कर रही है हमारी कम्युनिटी के लिए तो उनको भी मतलब रिस्पेक्ट कर सकते हैं और करनी पड़ेगी बस और रिस्पेक्ट दो अब वो डॉक्टर इतनी अच्छी थी भाई क्योर प्लस था डॉक्टर का डेंटिस्ट का वो तो जो होता है क्लिनिक उसका बिल्कुल 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 और उन्होंने यार मतलब इतने प्यार से मतलब मना नहीं करा कि हाँ जी आ जाओ कर देंगे पूरा दोबारा बोले नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं चल रहा है कोई दिक्कत नहीं चलो फिर वन कट वीडियो है वन कट वीडियो यार वीडियो नंबर 6 आज का टॉपिक है वुमेन्स की रिस्पेक्ट करो बस रिस्पेक्ट जरूरी है और इक्वालिटी थोड़ी सी यार बोलते सब है होती नहीं है कुछ नहीं है होनी चाहिए देखो बड़े बूढ़ों के टाइम से चलता आ रहा है चेंज थोड़ा सा हमें लाना पड़ेगा सोसाइटी के बीच में जो कि बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है आज की डेट में हमें मानना पड़ेंगे हमारे यहाँ पे वुमेन्स हमारी बहनें इनसिक्योर है और मैं इस बात को चौड़ में बोलता हूँ इनसिक्योर है इनसिक्योर है इनसिक्योर है सारे बोलेंगे नहीं भाई हम रिस्पेक्ट करते हैं पर बहुत जगह इनसिक्योर है भाई रात को 8 बजे के बाद मुझे डर लगने लग जाता है मेरी सिस्टर कहीं बाहर जा रही है बिल्कुल तो कोई दिक्कत ना हो जाए यार कि भाई मैं उसके साथ जाऊं या मैं वो चीज मैं वो काम कर दूं सिर्फ किस लिए से आना है सिर्फ किस लिए सिर्फ सोसाइटी की वजह से आज लड़की अगर मैं रिसेंट एग्जांपल देता हूं अगर कैब में बैठती है ना अगर मेरी बहन भी कैब में बैठती है ना तो मैं उसे बोलता हूँ कि तू कैब वाले का नंबर दे या कुछ शेयर करे अपनी लाइव लोकेशन भेज मेरा भाई बैठता है नहीं करता है क्या है क्या नहीं है पर लड़की होती है उन्हें अपने पर्सेस में पता नहीं दुनिया भर की चीजें रखनी पड़ती है दुनिया भर के स्प्रे रखने पड़ते हैं किस लिए सिर्फ सोसाइटी के डर से और सोसाइटी मत रखो रखो यार वो नीड है क्योंकि धीरे धीरे चेंज हो रहा है बिल्कुल चेंज होगा कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे भी बुरे लोग बहुत ज्यादा चेंज होंगे और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करूंगा कि इक्वालिटी के नाम पे जो चीज गलत हो रही है उसके बारे में डिस्कशन होगा बड़े बूढ़े कहते थे पुराने जमाने की बात है बुरखा डालो घूंघट डालो लड़कियों की शर्म आया होती है कि भाई घर में ऐसे नहीं घूमना नहीं मतलब कि यार एक पॉइंट देखा जाए इस चीज को ना ध्यान से सुनना कि घूंघट कर लो या बुरखा डालो कहने मतलब सिर्फ यही है किस लिए कि एक लड़कियों में तहजीब होती है अदब क्या घूंघट से लड़कियों की तहजीब दिखती है या लड़के बेशरम है क्या मेरे को क्यों नहीं बोला जा रहा कि भाई तू भी घूंघट डाल मैं क्या बेशरम हो गया मतलब वही हो गया जैसे पुराने जमाने में जिसने घूंघट डाला है वो अच्छी लड़की है जिसने नहीं डाला वो बुरी लड़की थी वो बुरी लड़की है जो कि बिल्कुल सच नहीं है भाई ऑब्वियसली बात है और इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना कि भाई आज की डेट में डरते हैं लोग भाई डिवोर्स नहीं कर पाते ना लड़की है ना लड़की ओ भाई बहुत ही ज्यादा हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मैं नहीं कह रहा बिल्कुल अमेरिकन कल्चर बना दो हमारा कल्चर बहुत अच्छा है पर इतना तगड़ा पॉइंट है ना ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमारी मेरी बहन है ना मेरी बहन हमारी मैं तो सबको बोलूंगा हमारी बहनें भी आज की डेट में ना डाइवोर्स लेने से डरेंगी क्यों क्योंकि हमारे घर वाले मना कर देंगे डाइवोर्स मत ले वही मत जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फकिंग सोसाइटी डोमेस्टिक अब्यूज चल रहा है तो भाई अब आपकी पता है आपको कि भाई आपकी सिस्टर गलत जगह ब्याह चुकी है या फिर भाई आपका जो है मैं तो ये लड़कों के लिए भी बोलूंगा तो यार अगर नहीं निभरी ना एक बार समझ आता है बट डोमेस्टिक अब्यूज जहां पर है वो चीज एक्सेप्टेबल ही नहीं है वो भाई आप तोड़ो दूसरे से कर लो बट सोसाइटी बिल्कुल परिवार मेरा खुद का पुराने जमाने का परिवार बड़े बुजुर्ग होंगे वो भी ये कहते होंगे कि भाई नहीं ऐसे नहीं चलेगा अब निभानी पड़ती है अब हो गई शादी बंद गए नहीं यार नहीं हमारे घर वाले मतलब हमारे घर वाले भी पहले सोसाइटी के बारे में सोचते हैं बाद में अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचते हैं ये कितना गलत पॉइंट है बहुत ज्यादा गलत पॉइंट है भाई बसों में सीट रिजर्व्ड होती है लड़कियों के लिए बसों में सीट रिजर्व क्या गलत है यार वो कितना काम करती है मैं भाई पढ़ाई कर रहा हूँ ना मेरे को कोई बोल दे जा दूध लेकर आ तो मैं बहाना बनाया तो मेरी पढ़ाई चल रही है बिल्कुल लड़की बर्तन भी मांजती है घर पे बेचारी काम भी करती वो है वो अपना पढ़ाई भी करती है अपनी सफाई भी करती है उसके बाद दुनिया भर का काम होता है और हमारे देश की सारी औरतें सारी महिलाएं हमसे मैं लिख के बोलता हूँ हमसे ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करती है करती है मतलब करती है और सुबह सुबह 5 बजे भाई उठना पहुंच भी नहीं होती उनके किसी ने खाता एक और एग्जांपल जैसे गांव की बात सुन लो सुबह 4 बजे लड़का जा सकता है वॉक रनिंग करने के लिए फौज की तैयारी करने के लिए पुलिस की तैयारी के वो भी अच्छा पॉइंट है लड़कियां नहीं जा सकती घर वाले बोलेंगे नहीं कि तुम सुबह 4 बजे कहीं रनिंग करने जाओ रोशनी होने रोशनी होने के साथ चले जा किस लिए चले
देता यार। घर वाले तो फिर भी भेज दे, 1% फिर भी भेज दे कि तू अपनी तैयारी कर ले, अपनी मेहनत कर ले, पर इसलिए कि बार उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इक्वालिटी भी है कि भाई तू जा सकती है, बट घर वाले भी अलाउ करते हैं। डर है भाई, डर आज की डेट में समाज ऐसा हो गया है भाई, शहरों में इतनी दिक्कत है तो गाँव का तो क्या ही हाल होगा। किसी को कुछ नहीं पता, और कहने की जो पुरानी बात है कि यार किसी की मतलब तुम मजबूरी जब तक नहीं समझ सकते, उसकी सिचुएशन जब तक नहीं समझ सकते, जब तक वो तुम पे खुद बीती ना हो या तुम उस टाइम को सिचुएशन में ना हो। यार किसी को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना हमें, किसी लड़की को, अब मैं इसके साथ खड़ा हूँ, मेरे यार कोई लड़का या लड़की कोई भी हो, अच्छे कपड़े उसने पहने हैं, बोलूंगा भाई देख कितना सही लड़का लग रहा है, बिल्कुल पहने ऐसे खरीद सकते हैं, ये लड़की कितनी सुंदर है, बिल्कुल वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है यार। ओ भाई ये वो मतलब किसी को गलत अनकंफर्टेबल जब तक लड़की बिल्कुल गलत है ये, आप उसे ट्रीट करो अपनी माँ की तरह, उसे रिस्पेक्ट देनी है हमें, जैसे हमारे दोस्त ने हमें बात बताई थी कि रिस्पेक्ट हर लाइक योर मदर, प्रोटेक्ट हर लाइक योर सिस्टर, एंड लाइक लव हर लाइक योर पार्टनर। भाई क्या पार्टनर की तरह उससे प्यार करो, बहुत अच्छी लाइन है, रिमाइंड करके ना दोबारा सुनना, मैं दोबारा बोल ही देता हूँ आज की वीडियो ना, दोनों एक साथ बोलेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छी है ये, हाँ इसमें बोलेगा रिस्पेक्ट हर लाइक योर मदर, प्रोटेक्ट दो अपनी माँ की तरह, प्रोटेक्ट हर लाइक योर सिस्टर, उसको रक्षा करो भाई उसकी अपनी बहन की तरह, हाँ, और लव हर लाइक योर पार्टनर, उसको प्यार दो अपने पार्टनर की अपने तरह, जीवन साथी की तरह, जीवन साथी की तरह। मैंने भी बहुत गलतियां करी, बिल्कुल यार बहुत गलतियां करी हम यार, करी हैं मुझे, हम चेंज लाएंगे अपने, बिल्कुल मुझे ला भी रहे हैं, मुझे भी कितना अच्छा लगेगा कि मैं भी अपनी बहन को खुशी खुशी बोल सकता कि हाँ भाई तू भी रात को अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा सकती है, अपने दोस्तों के साथ, हमने मेरे घर वाले खुद अलाउ करेंगे उसे, कितना अच्छा लगेगा। आई है मेरी सिस्टर है, उसको भी लगता होगा पहले की सोच में और आज की सोच में की बहुत फर्क हो गया है, अब इन चीजों के लिए रोक टोक, बट कहीं ना कहीं मैं 1% डर जाता हूँ रात को 8 बजे, यार मैं ही बोलता हूँ वहां पर किसके साथ है, अगर अकेले है तो मैं लेने आ जाता हूँ या फिर तू घर आ जा, ये सेफ नहीं है टाइम, आज का रात का टाइम है। अब मैं सेफ वर्ड को डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि सब लोगों को पता है कि यार देखो चीजें हो रही हैं, हर कोई हर किसी को चेंज नहीं कर सकता, एटलीस्ट अपनी सिस्टर्स को जो वो करना चाहती है उन कामों में सपोर्ट तो कर सकते हैं यार, वो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम अपनी बहन से वो पढ़ना चाहते हो उन्हें पढ़ने तक के लिए तो भीख मांगनी पड़ती है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। और यार लड़का है क्रिकेट सीखना तो सीख ले बेटा, लड़की है क्यों तुझे क्या करना है, बचपन से यही क्यों बोला जाता है खाना बनाना नहीं सीखेगी तो तेरी शादी नहीं होगी, और ऐसा नहीं है कि बहुत चीजें गलत हो रही है, अब तो बहुत चीजें मतलब सोसाइटी एजुकेटेड होती जा रही है, चेंजेस आ भी रहे हैं, बट यार ज्यादा नहीं अपने मोहल्ले की, अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारी में लड़कियों की रिस्पेक्ट करो हर जगह। तो मेरी शादी होती है ना, अगर मेरा पार्टनर बोलता है कि आप मैं भी जॉब करना चाहती हूँ तो उनको करो, मैं बोलूंगा भाई मैं भी जॉब कर रहा हूँ या मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, और वो बोले मैं 3 दिन खाना बनाऊंगी 3 दिन आप, अगर मेरे से नहीं बनाना आता मुझे या मेरे को नहीं आ रहा तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छा होता है, सोल्यूशन निकाल लेते हैं यार, बिल्कुल कि आपको नहीं बनाना आप भी मत बनाओ, किसी और से बनवा लेते हैं या फिर और ऐसा कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि यार ये नहीं बोलूंगा कि फोर्सफुली उसको बोलो नहीं तू भी बनाएगी, कि बचपन से ये तो रूल्स सेट हैं सोसाइटी के बड़े बुजुर्गों के रूल्स हैं, नहीं ये रूल गलत हैं, इन्हें चेंज करना है। वीडियो थोड़ी लंबी लगी है और भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, और वो वाली लाइन दोबारा रिपीट करके देखना जो हमने कोट बोला था, वैसे तो मैं लिख भी दूंगा, हम दोनों लिख भी देंगे उसे, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं आज के यार जनरल। हां यार बहुत अच्छा वीडियो, देखो सब्सक्राइबर्स 1000 हो चुके हैं, अच्छी बात है, थोड़ी सी देखोगे भी तो मोनेटाइज होगा, कोई दिक्कत नहीं यार, देखो मत देखो, देखोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा यार, हमारा फायदा होगा, गलत लग रहा है कुछ यार तो कमेंट्स में बताओ यार, पर्सनली भी बहुत भाई यार दोस्त हैं जो बताते हैं, आशीष ने भी बताया भाई ये चीज गलत थी, मैंने कहा ठीक है भाई आशीष भाई लव यू भाई, एमबी भाई ने बोला, एनी भाई ने बोला था एनी भाई लव यू, ये पॉइंट्स गलत हैं, तो जो जो पॉइंट्स गलत लगते हैं मैं उस पर काम करता हूँ, मैं कोई भाई भगवान का दूत तो हूँ नहीं, ना ही मैं स्वयं श्री कृष्ण हूँ, भाई इंसान हूँ छोटा सा जो कि भाई, और क्या गलतियां सबसे होती है कि आप पास में हमने भी करी होगी वीडियो पे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे आगे ना करें, अब शब्द यूज करे जो कि हम अब नहीं करते वो बिल्कुल गलत है, बट किसी की इंटेंशंस होनी होती, मेरी गाली अगर मेरे मुंह से निकली तो मेरी इंटेंशंस होनी है कि मैं इसको गाली दे रहा हूँ, उसको नीचा दिखा रहा हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, बाय बाय लव यू टेक केयर, बाय लव यू, और बोलना क्या, बोलना कुछ नहीं यार, बाकी तो हम तो काम कर रहे हैं, आप लोग प्यार दो, कैमरामैन विक्की के साथ, बाय बाय विक्की, बाय लव यू वुमेन्स।